आप सोच भी नहीं सकते हमारे क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार चरम उत्कर्ष के ऊपर है। पूरे एक खुर्रो ढाले जाए तो तीन बम मटोल ढाले जो लोग बार है यहाँ का काम है। ये सारी चीजें बेचरी के अंदर है। ये जितना भी विरोधी है ना खाना दिखाने के लिए विरोध प्रकट कर रहे थे अंदर सबके एक ही बात दिमाग में आगी कि आपड़ा में कोई सो भी बढ़ जाए लेकिन यो घूमरिया न बन जाए नहीं तो सबका सपना हरियाणा को एक समय कि भाई भ्रष्टाचार जो तुम करोड़ है इनकी सारा की जांच करवाओ और ये चीजें आपको धीरे धीरे दिखने लग गई। जो घोर विरोधी थे वो मंच के ऊपर एक साथ आने लग गए। कहां जहां बाबा ज्योतिबा फुले की जयंती के अंदर देख लो या बाबा साहब की जयंती के अंदर देख लो आपने जो घोर विरोधियों को एक साथ मंच साझा करते हुए देखा है यही वो ताकत है जो आपने दी है। और इस ताकत से इतने ज्यादा इनके अंदर डर बैठ गया कि आने वाले समय में इस व्यक्ति को रोकना पड़ेगा अन्यथा खेतड़ी क्षेत्र के अंदर कानून की ऐसी स्थिति पैदा कर देगा ये कि भ्रष्टाचार की नामो निशान ही खत्म हो जाएगी खेतड़ी से। मैं आप सब लोगों से विश्वास दिला के कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज तक बोर्ड को लेकर आप लोगों को ठगा है ये समय आ गया आप स्वयं उसका हिसाब चुकाओ। आप सब लोग सतीश बिरादरी के लोग वो हिसाब चुकाओ और एक एक पाई पाई का चुकाओ क्योंकि आपका बोर्ड था आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। कई बार तो आप लोगों को इतना इस प्रकार से जताया जाता है कि बेथारा गांव का मायने काम नहीं किया है। अजी आपने अपनी पॉकेट से थोड़ी किया है सरकार का पैसा और चुने हुए व्यक्ति और जनता ने चुना है और ये जनता का शासन है और जनता ही यहाँ राजा पैदा करती है तो आप काम करके कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। आपने कोई विकास कार्य किया भी है तो ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की सोच को आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ जो क्षेत्र हमारा आज की तारीख में हर प्रकार से पिछड़ा जा चुका है पिछड़ चुका है उसी पूरे क्षेत्र के अंदर बिना किसी भेदभाव बिना किसी ऊंच नीच के मैं आप सब लोगों के साथ में कहना चाह रहा हूं कि आप उस साथ लेके आपके मान सम्मान को बरकरार रखते हुए इस खेतड़ी क्षेत्र का विकास करना हमारा मुख्य ध्येय है। ऐसा अवसर आता है कि प्रधान बनवा की बात आगी तो अन्न की गाड़िया कमाई ने अटेचिया भरभर आऊ जो नोटा की ये 10-10 करोड़ रुपया खर्च करके और प्रधान बन जाए। अभी मैं थाने की बात कहूँ कार्य अगर ऐलान हो जाए कि खेतड़ी को MLA उन्हें बढ़ाए जाओगे तो ज्यादा पैसा लगाओ तो ये थाक बीच में गरीब बन रहा है ना ये बिना 70 रुपया दबेड़ा कड़ा कड़ा जो कार्य उत्तर भरभर लिया हूँ लिम्बे बढ़ाया साफ पीसा में हटन जाता है थाने दिखाने के लिए गरीब है। इनमें एक भी ऐसा इंसान नहीं है मैं सारी छत्तीस बिरादरी की बात कर रहा हूँ जो कहीं पे भी उपस्थित होकर ये कहता हो कि ये एक गरीबड़े बाप की कन्या है और इसका पीला हाथ करवा के लिए आज भाई मैं आगे आयोजू और मैं इस कन्या के विवाह का सारा खर्च उठाऊंगा। जब प्रधान बनवा की नौबत आगी जना तो 10 करोड़ खड़ा जुआगा और जिनारे गरीब कन्या को विवाह और ब्याह हो रहे जो जिनारे एक रिपियो देवानी कन्या आपको क्या लगता है वर्तमान विधायक महोदय जो आज है खैरा जो बूढ़ो से तैयार हो रहे हैं आज तक 40 साल की ये ऐसी चीजें हैं जो हम पता नहीं क्यों इनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं और इनका फायदा हम उन लोगों को देते हैं जिन्होंने अपने स्वयं के लिए अपने परिवार के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए इस राजनीति को एक माध्यम बना लिया कि हमें इसके माध्यम से अपनी रोटियां सेकेंगे हम इसी के माध्यम से कमा के खाएंगे हम इसी के माध्यम से अपना जीवन यापन करेंगे। ये एक सेवा का भाव था ये ऐसी चीज है जिसमें सेवा करने की क्षमता हो जिसके अंदर सर्व समाज को मान सम्मान देने की क्षमता हो जिसमें सभी जाति बिरादरियों का मान सम्मान रखने की हिम्मत हो वो व्यक्ति इसमें आए और सभी पूरे क्षेत्र की सेवा करे तब तो ये बहुत बड़ा कल्याणकारी काम है। अगर आप ये भाव नहीं रखते और सिर्फ एक ही बात आपके मन में है
कि मुझे तो किसी भी प्रकार से इस पद को हासिल करना है, और जैसे ये पद मुझे मिल गया तो मैं मेरा और मेरू के लिए बाकी सब जाओ। तो ये चीज जो है आज तक आपको देखने को मिली है खेतड़ी में। इसी के कारण, इसी सोच की वजह से खेतड़ी के अंदर कानून व्यवस्था इतनी लचर है। आप देखेंगे, मैं आपको एक नहीं कई कई ऐसे उल्लेख करूं कि खेतड़ी के अंदर FIR दर्ज कराने के लिए भी एक गरीब को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीब के साथ अगर कोई जुर्म हो गया तो उसकी FIR लिखने वाला भी बंदा खेतड़ी में नहीं है, वो भी थानेदार जी की मर्जी है कि भाई लिखा तो लिखा, नहीं कोई लिखा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हमारे पास जितने भी इस समाज में, इस स्थान पे हम जितने भी रहते हैं, वो सभी कानून की दृष्टि में तो समान अधिकार रखते हैं, और हम सबको ही हमारा संविधान, हमारे देश का कानून ये अधिकार देता है कि हमें न्याय मिले।